मणिपुर हिंसा में 60 लोगों की मौत, सीएम ने कहा हिंसा की जिम्मेदारी तय करने के लिए करेंगे उच्च स्तरीय जांच। द केरला स्टोरी, यूपी में होगी टैक्स फ्री, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ देखी फिल्म। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से 518 फंसे हुए लोगों को निकाला गया सुरक्षित, अब तक 60 की गई जान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले संविधान में धर्म के आधार आरक्षण का प्रावधान नहीं। अयोध्या की संस्कृति से रूबरू हो रहे सनातनी, एमपी गुजरात समेत कई राज्यों में पहुंच रहे श्रद्धालु। एबीए को कमजोर कर रहे उद्धव, कांग्रेस की सीट पर शिवसेना बिगाड़ेगी खेल, नाना पटोले का बड़ा बयान। मणिपुर हिंसा में क्यों डरे हुए हैं हिंदी भाषी राज्य, होनहारों के लिए कैसे एजुकेशन हब बन गया इंफाल। पत्नी डिंपल यादव के बयान के बाद मजबूर दिखे अखिलेश यादव, पहलवानों के धरने पर भी दी पहली प्रतिक्रिया। नीतीश कुमार आज करेंगे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात, विपक्ष को एकजुट करने की कवायद। मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी का नोटिस, सोनिया गांधी के बयान को पोस्ट करने पर मांगा जवाब। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।